हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। आज की इस वीडियो में काशी विद्यापीठ और इससे संबंधित कॉलेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर बताएंगे जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो खबर को जल्दी देख लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन सी खबर सामने आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काशी विद्यापीठ में प्रवेश के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये आज है। महाविद्यालयों ने भी मांगे ऑनलाइन आवेदन। तो कुछ न्यूज है, दिखा देते हैं आपको। स्नातक, स्नातकोत्तर और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में दाखिले की कवायद शुरू हो चुकी है। काशी विद्यापीठ में जहां विलंब शुल्क के साथ प्रवेश परीक्षा के आवेदन भरे जा रहे हैं, वहीं महाविद्यालयों में भी प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काशी विद्यापीठ में 27 जून को 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, मतलब कि आज तक किए जा सकेंगे। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की बात करें तो यहाँ 7 जून से प्रवेश परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन किया है, तो मतलब 7 जून से वहाँ भी स्टार्ट है। वहीं अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में भी प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। हालांकि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन की करने की जो अंतिम तिथि ये निर्धारित नहीं है। कुल सचिव डॉक्टर एस एल मौर्य ने बताया कि विद्यापीठ के स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक, एमफिल व डिप्लोमा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले का फॉर्म 3 अप्रैल से ही ऑनलाइन है, मतलब 3 अप्रैल से ही फॉर्म का आवेदन किया जा रहा है। तो ये तो सभी को पता होगा, 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 27 जून तक आवेदन करने का मौका है, मतलब आज तक का मौका है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ज़्यादा टाइम नहीं है, आज तक का मौका है 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ। जबकि शोध प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून है। शोध परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून है, मतलब 2-3 दिन बाद है। अब बात करें, 1 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। 1 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। यूपी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा का फॉर्म 1 जुलाई से ऑनलाइन करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में 28 जून को प्रवेश समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रवेश परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि पर निर्णय लिया जाएगा। चल रही दाखिले की प्रक्रिया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जगतपुर पीजी कॉलेज, कालिकाधाम महाविद्यालय, सेवापुरी डॉक्टर मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज, भैरव तालाब राजकीय महिला महाविद्यालय, बीएलडब्ल्यू राजकीय महाविद्यालय रखनी में भी दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये खबर थी आपके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट थी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे ही कोई खबर आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।